Hello students, today we are doing exercise 6.2. We have completed 6.1. Now it is your first sum of exercise 6.2. एक फिगर है हमारे पास 6.28. फाइंड द वैल्यूज ऑफ x and y and then show that AB parallel CD. हमें एंगल x और y की वैल्यू फाइंड करनी है, उसके बाद हमने AB parallel CD शो करना है. तो हमें दो लाइंस दी हैं ए बी और सी डी. ए बी और सी डी दो लाइंस दी हैं और एक लाइन उनको ऐसे काट रही है, इंटरसेक्ट कर रही है. जो एंगल ऊपर बना हुआ 50 डिग्री का है, ये वाला एंगल 50 डिग्री का है और ये नीचे वाला एंगल 130 डिग्री का है. ठीक है, और ये वाला एंगल x है और ये वाला एंगल y है. हमने x और y फाइंड करना है और हमें ये वाला एंगल दिया हुआ है और ये वाला एंगल दिया हुआ है. ठीक है, तो ए बी और सी डी, ए बी एंड सी डी लाइन्स हैं और एल लाइन जो है उनको इंटरसेक्ट करती है. ठीक है, फाइंड एक्स एंड वाई और शो करना है ए बी पैरेलल सी डी के है कि नहीं. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये देखेंगे एंगल 50 प्लस एक्स, 50 डिग्री प्लस एक्स इजिकल टू 180 डिग्री हमारा हो गया. ये दोनों एंगल का सम 180 है, ये लीनियर पेयर एंगल्स हैं. देयरफॉर एंगल एक्स इजिकल टू हो गया 180 डिग्री माइनस 50 इजिकल टू 130 डिग्री. तो हमारा एक आंसर आ गया, एक्स की वैल्यू हमारी पता चल गई हमें कि एंगल एक्स जो है वो 130 डिग्री का है क्योंकि ये दोनों एंगल का सम 180 है. तो एंड एंगल वाई इजिकल टू 130 डिग्री क्योंकि ये दोनों एंगल आपस में बराबर हैं. कौन से एंगल हैं, ये वर्टिकल अपोजिट एंगल्स. एंगल वाई जो है वो 130 डिग्री का हो गया, एक्स भी 130 का हो गया और वाई भी 130 का हो गया. एक्स भी 130 का हो गया और वाई भी 130 का हो गया. देयरफॉर एंगल एक्स इजिकल टू एंगल वाई, ये दोनों एंगल आपस में बराबर हो गए क्योंकि दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. ये दोनों एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गए, ऐसे ये वाला एंगल जो है वो ये इस एंगल के बराबर हो गया. ठीक है, ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर हो गया. देयरफॉर ए बी पैरेलल सी डी क्योंकि दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है.
अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बराबर हो तो लाइन पैरेलल होती है। तो हमने पहले थ्योरम की है कि अगर ये एक लाइन है, ट्रांसवर्सल लाइन दो लाइंस को काटती है, अगर दो लाइंस को ट्रांसवर्सल काटती है तो ये दो लाइनें हैं, इनको ट्रांसवर्सल काटती है, तो अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बराबर है तो ये दो लाइनें पैरेलल होती हैं, देयरफॉर ए बी पैरेलल सी डी, ये प्रूव हो गया। ठीक है, अभी एक आपको देख लो, ये सारा दोबारा देख लो। हमने पहले x प्लस 50 इज इक्वल टू 180 डिग्री किया, क्योंकि ये दोनों लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स हैं, इसलिए x की वैल्यू आ गई आपकी 130 डिग्री। दूसरा y इज इक्वल टू 130 हो गया, क्योंकि वर्टिकल अपोजिट एंगल बराबर हैं, इसलिए y की वैल्यू भी 130 डिग्री आ गई। x की वैल्यू भी 130 आ गई और x की भी y की भी 130 आ गई, तो x और y दोनों एंगल आपस में क्या हो गए, बराबर। तो हमें थ्योरम के हिसाब से पता है कि अगर एक ट्रांसवर्सल दो लाइनों को ऐसे काटती है कि जो एंगल एंड अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बराबर हो तो लाइन वो होती हैं जो वो पैरेलल हो जाती हैं, इसलिए ए बी पैरेलल सी डी हमने प्रूव कर ली। थैंक यू, ओके।